रमजान माह में एक माह तक अल्लाह की इबादत के बाद शनिवार को ईद का वह दिन है जिसका हर किसी मुस्लिम भाइयों को इंतजार रहता है। शहर में चांद की तस्दीक मिलने पर समूचे जिले में ईद उल फितर का त्यौहार खुशनुमा माहौल में मनाया गया। सुबह 8:30 बजे कुंदा तट स्थित बड़ी ईदगाह पर विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद अमन चैन खुशहाली भाईचारे की दुआ मांगी गई। सुबह से ही मुस्लिम बस्तियों में इस नेक दिन की खुशियों को पाने के लिए जैसे होड़ सी लगी थी। इसके अलावा शहर भर की छोटी बड़ी मस्जिदों में हजारों मुस्लिम समाज जनों ने नमाज अदा की। तालाब चौक में हुआ मिलन समारोह नगर पालिका ने तालाब चौक स्थित जामा मस्जिद के सामने सार्वजनिक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां शहर के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर मुस्लिम जनों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। यहां विधायक रवि जोशी, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, पूर्व विधायक परशुराम इंदिर, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, पी धर्मवीर सिंह, एसडीएम ओम नारायण सिंह पटेल, सदर अल्ताफ आजाद, काकू भाई आदि ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं सोशल वेबसाइट भी ईद मुबारक के संदेशों से पटा रहा। आज ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन ईद का त्यौहार भी है। मैं खरगोन के समस्त मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ऐतिहासिक दिन इसलिए कि आज ही के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। खरगोन के विप्र समाज को मैं अपनी ओर से भगवान परशुराम जी की जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खरगोन शहर हमेशा एक मिली जुली मान्यताओं को मानने वाला शहर रहा है। इस शहर में बड़े उल्लास और उत्साह के साथ आज खुशी खुशी ऐतिहासिक ईद मिलन समारोह की शुरुआत हुई है। हमने मुस्लिम भाइयों से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी है। ये क्रम एक हफ्ते तक चलता रहेगा। खरगोन में ईद मिलन के कार्यक्रम एक हफ्ते तक हमारे द्वारा चलते रहेंगे और इस कार्यक्रम के पश्चात आज भगवान परशुराम जी की जयंती का 10 बजे से एक बड़ा कार्यक्रम है। उसमें खरगोन शहर के और तमाम आसपास के देहात गांव कस्बों से लोग पधार रहे हैं। वहाँ 10 बजे से कार्यक्रम है, उसकी भी मैं तमाम समाज जनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।